फ्रेंड्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर के ऊपर आज दो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से रिलेटेड। और आप देख सकते हो आज सुबह सुबह ही हमको इस शेयर में 9% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही। तो सबसे पहले तो एक ये प्रश्न था कि इस शेयर को यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए या नहीं, फंडामेंटल वाइज देखे तो। और दूसरा कि एक भाई ने जब इस शेयर में बोनस की न्यूज आई तब 900 रुपये के आसपास के प्राइस पर इस शेयर को बाय किया था, तो उसको यहाँ पर इस शेयर को होल्ड करना चाहिए या शॉर्ट टर्म व्यू है तो निकल जाना चाहिए। तो मेरा तो क्लियरली यहाँ पर यही मानना है कि अभी फिलहाल इसके वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, तो यहाँ पर निकल जाना ही बेहतर होगा जो भी लोग शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, यानी कि 2-4 दिन का व्यू रखते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसके वैल्यूएशन थोड़े महंगे दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जैसे ही यहाँ पर बोनस की एक्स डेट आई उसके बाद तुरंत ही हमें यहाँ पर इस शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और यहाँ पर 2-3 दिन पहले एक भाई ने 260 रुपये पर जब ये शेयर था तब बोला था कि इस शेयर को बाय करना चाहिए या तो नहीं, तो मैंने तो उसको क्लियरली अवॉइड करने को बोला था क्योंकि मुझे इसके वैल्यूएशन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़े महंगे दिखाई दे रहे। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म वालों को अब इस शेयर से दूर रहना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अगर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो जब निचले लेवल पर ये शेयर मिले तब ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।